बहुत बोर आया अखबार। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज है 1 जनवरी, इस साल का पहला दिन, और पहले दिन का शुरुआत हुई इस तरह की ठंड के साथ। और आज इतनी ठंड है कि बंदर भी बेचारे कहीं छुप के बैठे होंगे, तो एकदम यहाँ पे खाली है। यहाँ पे चलाओगे? कहाँ जा रहे हैं? हम बनाते हैं चाय, और सनी का तो यही रोज का ब्रेकफास्ट है, दलिया दूध। गूगल पे नॉट वर्किंग, टॉकिंग टू कस्टमर केयर। नया साल मुबारक हो आपको भी, बहुत बहुत मुबारक। चलो सब ऐसे ही खुश रहे हैं, अच्छे से। हाँ, ऐसे हीटर के वजह से थोड़ा गर्म हो रहा है, बड़ा वाला नहीं। लेकिन सबको बुला लेते हैं, भाभी को तो भाजी बना रहे हैं, तो उसको वीडियो बनाएंगे। हाँ चलो, कहाँ मिली थी भाजी, कौन लाया? अम्मा लाई थी। अच्छा, शमा खा ले ने। देखो इसकी भाजी की बोल रही है, सुबह सुबह बनेगा। अच्छा, बहुत अच्छा लगेगा भाभी। हमने काफी सालों से नहीं खाया, चना का साग बोलते हैं। हाँ, हमने अम्मा से कल कहा था कि चने की भाजी खाने का मन है, क्योंकि अम्मी भी बहुत ज्यादा पसंद करती है, और वहाँ पे इतना मुंबई में नहीं मिलती थी, तो जब भी कोई मौधा से आता तो अम्मी मंगाती थी, तो अम्मा ने आज ही मंगा दी। तो रुखसाना भाजी इसलिए खुशी खुशी बताने आई थी, चलो वीडियो बनाना, हम वो बना रहे हैं चने की भाजी। एकदम ड्राई ड्राई सी होती है, आप लोगों ने खाई होगी, नहीं खाई है तो आप लोग बताइएगा, या फिर ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है। मैं भी काफी सालों बाद खाऊंगी, तो मैं उसका टेस्ट भूल गई हूँ, मुझे सिर्फ मेथी और पालक और चौले की भाजी का टेस्ट याद है। तो आज चने की भाजी खाएंगे। और क्या करने आई थी? हाँ, मैं ऊपर आई थी धोने के कपड़े लेने के, क्योंकि नीचे लगाएंगे मशीन। ये सारे कपड़े ले लिए फ्रेंड्स, अभी चलते हैं, इनको नीचे दे देते हैं। काम नहीं कर रही, बस कपड़े लाए हूँ, अल्लाह के नहीं, वो लगाएंगे ना भाजी मशीन। सफेद नहीं डाल सकते ना? बस नहीं नहीं, व्हाइट नहीं, व्हाइट नहीं, व्हाइट सारे आधे डाल दो, ठंडी है, आराम से, ज्यादा काम ना करो, ठंडी लग जाएगी। मुझे नहीं लाया आप ग्लव्स? पड़े ना, नहीं आप पहन लो, दूसरे मुझे ला देना। आपको पता है कि कल सनी का बर्थडे है, हमने सोचा था हम सरप्राइज देंगे, कल हमने छोटा सा इसको सरप्राइज दिया था, वो पूल वाला, लेकिन अब समझ में आया कि सरप्राइज देना कितना मुश्किल का काम है, इतने से बलून और फूल में हमें ऐसा लग रहा था कि हम क्या करें। ये तुम्हारा कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ। तुमसे मैंने ये चीज पहले भी बोली थी, पहले सुनो, पहले सुनो, कि इंसान को छोटी छोटी चीजें पसंद आती है ना, वो बड़ी होती है, तुमने ये किया ही बहुत है। तो लेकिन सभा का जो प्लान था वो ये था कि हमें कहीं बाहर से करना, हॉल में करना है, ताकि हम हर एक सबको बुला पाए, किसी को भी कोई हमारी तरफ से ना छूटे जिसको हम जानते हैं। और मेरा ये हुआ कि अभी यहाँ मौसम में ठंड बहुत ज्यादा हो रही है, तो लोग घर से तो निकल नहीं रहे हैं, तो मैंने सोचा घर पे ही कर लेते हैं, सारे रिश्तेदारों को बुला लो, आएंगे ही ना रिश्तेदार। लेकिन वो दूर है, घर पे लोग आ जाते हैं, इजली आ जाते हैं ना आसपास के लोग, तो घर पे कर लो, और बस यही सबसे बेस्ट रहेगा मेरे, सब लोग मतलब सबका हो भी जाएगा, घर से जगह काफी है, घर में जगह कम पड़ गई, तो छत पे यहाँ पे टेंट लगवा देंगे ना। वैसे हम, आपको पता है कि यहाँ पे मौधा में हम कुछ भी अपनी तरफ से अरेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम इन पे ही डिपेंडेंट हैं। तुम जो भी करती हो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज होती है, अपने दिमाग से चीज निकाल दो बेटा, मुझे वो, तुम कुछ भी कर दो तुम मेरे लिए बहुत बड़ा होता है वो, बस अल्लाह तुम्हें हमेशा अच्छा रखे। तुम सोचती हो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारा बर्थडे कभी हुआ ही नहीं है। तुम फिर जा रहे हो ना, तुम्हारे हाथ में आएंगे, ये तो बाइक वाले हैं। वाओ फ्रेंड्स, ये सब चीजों का बहुत शौक हुआ है? एक का, इसमें का एक मुझे घुसा दीजिए। इसमें नहीं है। हाँ, तो स्कूल में बहुत शौक हुआ करता था सारी चीजें पहन के जाने का। तुम बाजार जा भी रही हो अम्मा के साथ में, तो मैं बाजार में ही पहन के जाऊंगी। नहीं नहीं, हाँ तो पहन जाओगे। नहीं नहीं भैया, इतना भी नहीं। अभी वो सॉक्स लेके आओ। हाँ, सॉक्स लेके आओ, क्योंकि बहुत हार्ड ठंडे हो रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं नीचे, बड़े पापा बड़ी मम्मी आए हुए हैं मिलने। आपके साथ नाश्ता करना अलग बात है, और जब सब चले जाए उसकी बात ही अलग है। सामने? नहीं नहीं जी, ठीक है जी, ठीक है। ये देखो, जाने के बाद खाने की बात ही अलग होती है, ऐसे बचपन में तो बहुत ही किया हम सब ने। थैंक यू, सो स्वीट, हैप्पी न्यू ईयर के लिए। थैंक यू इकरा, बहुत अच्छा है। उसके बाद फ्रेंड्स हम अम्मा के साथ मार्केट चले गए, क्योंकि सनी की पुप्पी का बर्थडे था, हमें उनके लिए गिफ्ट लेना था। नाम बता दो अपना। रिमशा। रिमशा। उसके बाद हमारी दावत थी, बड़े पापा बड़ी अम्मी आए थे कानपुर से, तो वो कानपुर से ही हमें रोटी लेके आए थे, और कुछ चीज़ें फूफी ने घर पे बनाई थी, तो हम सब ने मिल के खाना खाया। हमें तो चटपटा पसंद है। हाँ।
हाय करो सबसे। आरजा भी यहाँ पे आ गई है, अब हम लोग मिलते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है। बहुत अच्छा खाना बनाया था आप जो कानपुर से लाई थी, बहुत अच्छा। और आपकी बिरयानी मैं अभी तक बनाती हूँ लेकिन वैसी नहीं बन पाती है, आप एक और बार मुझे सिखा देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आएंगे। बस फिर उसके बाद हम आ गए घर और सनी ने आज आग जलाई थी। हैप्पी न्यू ईयर। बहुत ही प्यारे लोग हमसे उरई से मिलने के लिए आए हैं, तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, न्यू ईयर भी है और सारे लोगों से मिलना भी होता है। जल्दी हाय करो सब लोग। हाय। बहुत सारे वालेकुम अस्सलाम। जल्दी अपना नाम भी बता दो। माय नेम इज अनस। माय नेम इज मरिया फातिमा। माशाल्लाह। आप भी बताओ। अनाया। आप बताओ। ये हुई ना बात। माशाल्लाह माशाल्लाह। मिलके बहुत अच्छा लगा आंटी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू बस नहीं, बस हो गया, ये बहुत है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। गिफ्ट भी लाए हो, सबको आपसे ही मिलना था। चलो अल्लाह हाफिज। बाय बाय फ्रेंड्स। सनी की जो फूफी है ना, गुड़िया फूफी, आज उनका बर्थडे है तो उनके घर जा रहे हैं सरप्राइज करने केक लेके। ये सही केक ले लिया, पार्टी पॉपर ले लिया, अब चलते हैं उनके घर। कितनी बड़ी गाड़ी है लेकिन उनके जज्बे को मानना पड़ेगा। तो प्यारा लग रहा है फ्लावर। हजारों साल। हैप्पी बर्थडे विश तो कर दो। हैप्पी बर्थडे को यहाँ पे आ जाओ बेटा। हैप्पी बर्थडे। छोटा सा गिफ्ट बस उनके बर्थडे के लिए। बहुत अच्छा। मेरे बर्थडे में आ जाएगा। भाभी के आगे आगे पूरी टीम पूरी टीम चल रही है आपके आगे। अरे आप सारे लेके आए हो, सबने अपना नाम लिखा है। थैंक यू बेटा। ये मामा की है, ये फहीम भाई की। कुछ चॉकलेट तो दे रहे हैं इन्हें, देंगे कल। कल सर यहाँ को बर्थडे, कल सबको चॉकलेट सारी चीजें, कल आना सब लोग, ठीक है। आयशा सलाम। ये कब भाई का बर्थडे भी है तो आना कल, ठीक है 3 बजे। बच्चों का प्यार है, इतना स्पेशल फील हो रहा है। बहुत सारा ये सब सनी के मोहल्ले के बच्चे हैं, सनी के छोटे छोटे भाई बहन है, आसपास के कोई भतीजे भांजे, सब सब इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं किसी में। सब भाभी, सब आंटी, सब अप्पी, सभी लेके आए, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स अभी बच्चों का 6:30 और अभी टाइम मिल रहा है सिर्फ ऐसे आके बैठने का, थोड़ी देर अम्मा के साथ नीचे बैठे और अभी आ गए ऊपर अपना व्लॉग एडिट करने के लिए। और साथ साथ कल सनी का बर्थडे तो उसकी भी तैयारियां चल जा रही है। अभी लाइट वाले भैया से बात हुई है तो हम लोग ने फाइनल डिसाइड किया कि हम छत पे ही कराएंगे। सैफी ने सारे रेफरेंस भेजे हैं, जो यहाँ पे मौजूद हमें डेकोरेटर है वो भी सिलेक्ट करना है, किससे डेकोरेशन कराना है, कहाँ डेकोरेशन कराना है। और आज बर्थडे ब्रिंग इन भी है तो उसके लिए भी अभी इरफान के साथ जाना है बाजार और अभी बहुत सारी चीजें करनी है। अचानक से बेटी खाला के पेट में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया, काफी दिनों से था लेकिन और बढ़ गया था तो उनको लेके हॉस्पिटल आना पड़ा। फ्रेंड्स बाय। फिर फोन करना। आराम से मैं बैठी थी अम्मा के पास बातें कर रही थी और सडनली बेटी खाला का फोन आता है कि बहुत तेज पेट में दर्द है, तो हमने कहा फिर हम साथ में लेके चलते हैं। 4-5 दिन से ना बेटी खाला के पेट का दर्द जा ही नहीं रहा है तो बड़ी ज्यादा टेंशन हो गई थी कि ऐसा क्या हुआ। जब उनका अभी फोन आया कि शालू बहुत तेज पेट दर्द हो रहा है तो हम वो तो घबरा ही रही थी, शायद हम भी घबरा गए थे। तो खैर अभी हम जा रहे हैं घर और सनी के जो बर्थडे प्रिंगन का सब तैयारी करनी थी वो भी नहीं कर पाए क्योंकि यही एक टाइम था 7 से 8 के बीच में जब अब शॉप खुली होती है जाके चीजें ले लेते और उसी टाइम पे वहाँ पे चले गए। लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, बस बेटी खाला का जो पेट दर्द है अंदर कुछ ज्यादा मेजर ना हो, ऐसा ही हो, ठीक हो जाए। अभी इंजेक्शन लगा दिया, अभी पता नहीं चला रीजन क्या है, इंशाल्लाह कल तक पता चलेगा आराम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है।
देखिए अभी 8:44 ही हो रहा है और सारी शॉप्स जो है वो बंद हो चुकी है। क्या करें? मैंने ये कहा कि तुम लोग जाओ पहले केक लेने। हाँ। उसमें बढ़िया लिखवा दो हैप्पी बर्थडे सनी है। हाँ। ऊपर जाओ रूम में, वहाँ जाके बलून खुलाओ। हाँ। और जो आता है वो हैप्पी बर्थडे। अब मुझे कहो आप 2 घंटे के लिए बाहर। अच्छा हाँ, अभी जो है सब एकदम खत्म हो जाएगा, सब भूल जाओगे। मतलब बर्थडे हो रहा है, सरप्राइज में कोई चीज ही नहीं यार। ऐसा बर्थडे तो कहीं नहीं देखा मैंने भाई, लाइफ में पहली बार बर्थडे मना रहा हूँ सब। नहीं नहीं तुम्हें कुछ नहीं पता। मीठा पान खिलवा लाइए बस, वही मेरा बर्थडे गिफ्ट है। अभी बस पूरा फ्लैशबैक में चला है, भूल गया ये सब। ऐसा भूल गया, बस मैं भूल गया। पैसे दे दो, हमारा बर्थडे पैसे हमारी से बस इतने में हो जाएगा। चलो केक तो मिल गया, बाकी चीजें भी सेफ्टी ले आएगा जाके, ठीक है। 9:30 हो चुका है, इतनी तेज भूख लगाई, अभी तक खाना खाने का मौका ही नहीं मिला। केक यहाँ पे ले आए हैं। पप्पी ने ये खाना घर पे भेज दिया था जो हमने वहाँ पे खाया था ना दिन में, तो यही गरम कर लेते हैं। ओ मैं तो बिरयानी खाऊंगी हमेशा की तरह। ये देखो हेल्प करने आ गए। जब भी मैं किचन में आती हूँ उसको पता है कि सारी चीजें मैनेज नहीं होगी, काफी सारा खाना, काफी सारी चीजें। तो थैंक यू। तो आज फ्रेंड्स पनीर बना था हम लोगों के लिए स्पेशल, अम्मा ने बनवाया था। ये पैसे बच गए नहीं आप? मैं क्या करूँगी, घुमा दूंगी, पकड़ो। ऐसी बीवी नहीं मिलेगी जो बच्चे में पैसे वापस करेगी। निकाल लेती है जेब से। यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, 1 मिनट बचा है बर्थडे में बस। जो जो चीजें हैं हम ऊपर लेके चलते हैं। ये कल वाला हम यूज कर लेंगे। अमरूद तो नहीं लेके चले? अमरूद फिर ले जाएंगे। अभी अम्मा पापा को नहीं जगाएंगे क्योंकि यहाँ 12 बजे बहुत उनकी एक नींद पूरी हो चुकी होगी और अभी वो नहीं जागेंगे, उनको नहीं जगाना बिल्ल। मुझे भी लिखाना था, पहले मैंने बेबी लिखवाया, फिर उसने कहा बिल्ला, फिर मैं सोचती रही, मैंने कहा शॉप वाले से मैं नहीं बोल पाऊंगी सैफी तुम बोल दो, फिर उसने कहा भैया बिल्ला लिख दो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, प्योर गुलाब है ना यहाँ की खुशबू। बर्थडे सनी का गिफ्ट देखो, बिल्ला मिल गया, सही है। थैंक यू। सबसे बड़ा गिफ्ट ये है, मैं ना? ये है सबसे बड़ा गिफ्ट। मैंने सुम्बुल को इनवाइट किया था कल सनी के बर्थडे के लिए, तो उसने बोला नहीं आ पाएंगे भाभी छुट्टी नहीं है, तो मुझे लग ही रहा था कि ऐसे नहीं होगा। और अभी 12 बजे उनका नीचे से फैजान का मैसेज आता है कि गेट खोल दो। सरप्राइज दे रहे थे लोग, आ गए वो लोग नीचे है बस आने वाले। क्या झूठी? हैप्पी बर्थडे। मुझे था कि कल तक हम आओगे, सुम्बुल नहीं मना करेगी ऐसे। चलो सही है सही है सही है। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक यू। अरे पहले बुझाओ तो। अरे पहले छोड़ दिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सनी भाई। आपका स्वेटर बहुत अच्छा है, एक नंबर स्वेटर। भाई मजाक में? नहीं नहीं सच में। अरे मजाक नहीं, सच में कूल लग रहा है बहुत। इसको कुछ मिल नहीं रहा था तो इसने यही पहना। नहीं बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली है लड़कों वाला ही, लेकिन मैंने अपने ले लिया। कम से कम तो लेकिन अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी। बर्थडे प्रिंगिंग हो चुका है, सब लोग अभी चले गए क्योंकि काफी लेट हो गया था और रूम बहुत ज्यादा मैसी हो गया है, तो बस पहले रूम क्लीन करेंगे और उसके बाद सोएंगे ताकि सुबह उठ के ऐसे उलझन से ना हो। ये देखिए सब कुछ ऐसा फैला हुआ है कुशन वहाँ पे अभी। फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।